दोस्तों, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज टू की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा अब धूम धड़ाका डीआरडीओ करने वाला है। डीआरडीओ अब नए नए चैलेंजेस लेने के बाद नए तरीके की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इस बीच आपको बता दें, एक ऐसी चीज बना दिया है जिससे आप चौंक जाएंगे। खास करके इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो आलोचना होती थी कि कैसे इसे डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो डीआरडीओ ने ऐसा प्रोग्राम तैयार कर दिया है जिसे पलक झपकते उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। 550 मिनट में कहीं भी आप इसे कहीं भी तेजी से ले जाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, अब एक जगह ये फिक्स होता था पहले, लेकिन अब ये फिक्स नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें, डीआरडीओ ने जिस तरीके के हथियार बनाए हैं, ये छोटी छोटी दिक्कतों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। डीआरडीओ ने इसे एक सेकेंड में एक फेस स्टार्ट और इंटरसेप्टर मिसाइल को कॉन्सेप्ट कर लेगी। टेस्टिंग का भी होगा, जिसकी रेंज 200 ऑटो मैक्सिक कहा जाता है, यानी कि 300 से 3500 किलोमीटर तक की ये मारक क्षमता डीआरडीओ होगी। ये इंटरसेप्ट भी कर सकती है किसी भी दुश्मन को बैलिस्टिक मिसाइल को। इस पर बात करेंगे तो दूसरी अगर बात करें तो दूसरी तरफ भारत में खुद में डिफेंस सिस्टम बन गया है। आपको बता दें, भारत दूसरी तरफ डिफेंस सिस्टम बना रहा है, और एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि उसके ऊपर भी वो अपने आप को थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, भारत डीआरडीओ लगातार अपने ऊपर काम कर रहा था, जिस पे अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इस सफलता की बात करें तो इस मिसाइल में ट्रैकिंग सिस्टम ओटीएस लगाया गया है। ये पूरी तरीके से एक्स बैंड रडार ट्रैकिंग सिस्टम के साथ काम करता है, जैसे किसी लॉन्च पैड को कंट्रोल करता है। अगर चाइना अपनी तरफ हमला करता है, पाकिस्तान हमला करता है, तो ये विद इन सेकेंड उसे ट्रैक करके अपने दुश्मन के निशानों को ध्वस्त कर सकता है। डीआरडीओ इतनी बेहतरीन चीज़ बना लिया है, जो हम अभी तक खरीद रहे थे, अब भारत में ही वो बनने वाला है। आपको बता दें, भारत तेजी के साथ इस सिस्टम को अपग्रेड भी कर रहा है। ट्रैकिंग टेस्टिंग के साथ साथ कई चीज़ें हैं, पूरी डिटेल अब हम बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इस पे कई चीज़ें देखने को मिल रही है। 2007 में लगभग इसको लेकर फेज़ वन कंप्लीट कर दिया गया था, और जिसकी रेंज करीबन 1000 से 1500 तक थी, और उसका फेज़ टू अब जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और ज़्यादातर इसका एडवांस बनना शुरू हो चुका है। उसे मोबाइल यानी मोबिलिटी यानी चलती फिरती आसानी के साथ चल सकता था, ट्रांसपोर्टेशन को आसान करना था, और यही कारण है कि अब इस मिसाइल को जो है वो मोबिलिटी बनाया गया है, यानी उसे कहीं से भी कहीं ले जाया जा सकता है। आपको बता दें, इसकी रेंज भी जो है वो 3500 किलोमीटर के करीब है, और इस चिप में 10,000 टन वजन है। आपको बता दें, इस इंटरसेप्ट मिसाइल से चाइना हो या पाकिस्तान, काफ़ी लंबी दूरी तक इसे मारा जा सकता है। आपको बता दें, इसमें स्टेट ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा है। इसके आसपास बैंड रडार ट्रैकिंग है, इनमें एलिमेंट्री डीवी टेलीमेंट्री डिवाइस भी लगे हैं, जो मिशन कंट्रोल को और साथ ही लॉन्च कंट्रोल पैड को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले वैसे भी इसकी मिसाइल की रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसे छोड़ा जाए तो इसकी जो इंटरसेप्टर रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब 2000 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकते हैं, 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन 600 किलोमीटर तक इसकी ट्रैक किया जा सकता है। यानी 600 मीटर के दायरे में अगर कोई भी हथियार दुश्मन के आता है तो उसे तत्काल ट्रैक करके ख़त्म करने की क्षमता रखता है, और 400 किलोमीटर मार कर सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिसाइल में 250 किलोमीटर वाली 200 से 250 किलोमीटर तक भी ये मार कर सकती है। भारत ने उसे खरीदा नहीं है, लेकिन अब तेज़ी के साथ डीआरडीओ इस तरीके की मिसाइल बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों को बनाने के बाद अब भारत से निर्यात के भी जो है वो होड़ लगने लगे हैं। डीआरडीओ जितनी तेज़ी के साथ अपने सिस्टम को लॉन्च कर रहा है, काम कर रहा है, और सिस्टम को धड़ाधड़ तरीके से मिसाइलें अपग्रेड कर रहा है, उसमें अब भारत से हथियारों का जखीरा जो है वो कई देश खरीदने के लिए भी होड़ मच चुके हैं। आपको बता दें, इसमें कई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जो भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, जिस तेज़ी के साथ भारत और डीआरडीओ नए नए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेज टू की इस बात शुरुआत की, और 3500 किलोमीटर मारक क्षमता और 600 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।